गुड मॉर्निंग, आई एम विवेक। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की यूनिट की बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज। तो यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले देखेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या क्या है बेटा। ठीक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कि कौन कौन से एप्लीकेशन पे डिपेंड कर के एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद एक आध न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। तो आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास और कर रखा है इक्विलिब्रियम चैप्टर पे, जिसपे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन किया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, इन सब चीजों को समझा था, केसी की वैल्यू देखा था किस किस तरीके से चेंज होती है। तो फर्स्ट वीडियो, जिसने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट वीडियो आप लोग देखें, उसके बाद ये बड़े अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि अपना ये यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से जो अपना ये यूनिट है ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है। ठीक है, तो वही एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल लेके चैप्टर स्टार्ट किया था। तो बेटा लेट अस अज्यूम करो कि मान लो कोई ए है जिसका ये रिएक्टेंट है हमारे, है ना, जिसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और ये हम लोगों को क्या दे रहे हैं बेटा, सी सी प्लस डी डी। तो इससे अवेयर होगी काफी अच्छे से, फर्स्ट क्लास में काफी ऊपर अच्छे से डिस्कस किया था इसके ऊपर, है ना। चलो तो इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। केसी किस तरीके से निकालेंगे केसी बेटा? तो हम लोग को पता होता था केसी होता था इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता था बेटा, है ना। तो चलिए आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को भी लिख लें। तो दिस इज ए की पावर ए एंड दिस इज बी की पावर, क्या लिखा है बेटा, बी लिखा हुआ है। तो ये होता था हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब हम सबको पता है बेटा कि कंसंट्रेशन को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोल पर लीटर, है ना। कंसंट्रेशन निकालने का तरीका क्या होता है, मोल पर लीटर। तो दिस इज मोल पर लीटर, तो सबका मोल पर लीटर होने वाला है बेटा यहाँ पे, क्योंकि सभी के सभी कंसंट्रेशन है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो। तो मोल पर लीटर यहाँ पे आप सी लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मोल पर लीटर, इसका सोसोमेट्रिक कोफिशिएंट डी बेटा। उसी तरीके से यहां पे आप क्या लिखने वाले हैं, मोल पर लीटर, यहां पे आप क्या लिखेंगे बेटा, ए। और सिमिलर वे में यहां पे आप लिख देंगे मोल पर लीटर बी। डन बेटा। अब ये सभी मोल पर लीटर है, तो मैं चाहूं तो इनको एक साथ भी लिख सकता हूं क्या, कि मोल पर लीटर और इसका पावर क्या हो जाएगा बेटा, सी प्लस डी। तो ऊपर ही है, माइनस में नीचे से आप ए प्लस बी को ले जाओ। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट आती है वो आती है मोल पर लीटर, और इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करूंगा इसको मैं, वेयर वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू। डेल्टा एन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के साइड कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिया करेंगे। आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एक एग्जांपल ले लेते हैं चलो, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक कि किस तरीके से आप यूनिट निकालोगे। तो मान लो आपका ये रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3 बेटा। डन। इसके लिए बोला गया कि आप निकाल के दिखाओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसके लिए, सबसे पहले हम लोग केसी लिखेंगे इसके लिए। तो केसी कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, टू। डन। अपॉन में रिएक्टेंट साइड में क्या है, N2 का कंसंट्रेशन और क्या है बेटा, H2 का कंसंट्रेशन। डन। तो ये हो गया पूरा। तो इस चीज को आप डिफाइन करो, कैसे करोगे बेटा? तो ये आ गया हम लोगों का पूरा निकल के, कितना निकल के आ चुका है, ये NH3 का कंसंट्रेशन, यानी आप इसको लिखोगे मोल पर लीटर। मैं एक ही साथ लिख दूं, ठीक है बेटा। तो ऊपर लिख दूंगा टू प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पे क्या है बेटा, तो टू माइनस
वन प्लस थ्री है ना, वन और थ्री फोर हो गए, तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया हम लोगों का मोल पर लीटर, एंड दिस इज 2 माइनस 4, तो दैट इज मोल, मोल 2 माइनस 4 माइनस 2, तो मोल 2, और लीटर, लीटर पे कितना लेगा बेटा, तो लीटर पे भी हो जाएगा हमारा -2, तो ऊपर जाके वो +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग किसी का भी इस तरीके से निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट। तो आई होप यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी इजी तरीके से आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट को आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि क्या तरीका होगा हम लोगों का वाइल कैलकुलेटिंग द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से फटाफट, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या क्या होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो चलिए सबसे पहली एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होती है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है बेटा, वो होता है इन द प्रिडिक्शन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ हेडिंग, फिर इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्या है बेटा, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्ट करना किसी चीज के बारे में, तो प्रिडिक्शन ऑफ ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो प्रिडिक्शन ऑफ कंप्लीशन, प्रिडिक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा, कि मतलब ये प्रिडिक्ट करता है कि आपकी रिएक्शंस कब कंप्लीट होगी, कितनी कंप्लीट हुई है या कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस रिएक्शंस की कंप्लीशन के बारे में बताता है। तो पहला एप्लीकेशन इसका ये है बेटा, कैसे बताता है तो चलो समझते हैं। तो इसके अंदर हम लोग टोटल 3 केस लेंगे, तो केस नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। तो केस नंबर 1 है ये है बेटा कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम आती है, यानी इफ केसी इज, पहले ग्रेटर देन वाला ले लेते हैं उसके बाद लेस देन वाला लेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, केसी था क्या, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, केसी था क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है ना, दैट इज सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन में क्या था बेटा, ए की पावर ए, और यहाँ पे क्या था बेटा, बी की पावर बी, यही था ना। यहाँ पे अगर मैं वो इक्वेशन लिख दूं दोबारा से आपके लिए कि ये क्या था, ए ए प्लस बी बी दैट गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही था। तो बेटा केसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर कब हो सकती है, आप खुद सोचें, केसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर कब हो सकती है, जब जो प्रोडक्ट साइड दिख रहा है आपको, रेशियो दिख रहा है ऊपर वाला सी और डी, उसकी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू क्या हो बेटा, ज्यादा हो कि कम हो, तो उसकी वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा हो, यानी प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो उसी समय तो होगा बेटा किसी की वैल्यू ग्रेटर देन वन। खुद सोचो किसी चीज को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अगर ज्यादा होगा बेटा इससे, तभी उसी केस में ना किसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर 1/2 हो गया तब तो 1 से कम हो गई, 1/3 हो गया तो भी कम हो गई, तो हम चाहते हैं कि अगर ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाला 4 से कम हो, 4/2, 4/3, 4/4, तो जाके 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा, अगर आपने रिएक्टेंट साइड यानी ए और बी को ज्यादा ले लिया तो केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आएगी। तो केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट बना रहा है,
और किधर की तरफ जा रहा है, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन की तरफ जा रहा है, यानी इफ द केसी इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, है ना बेटा। इफ द केसी इज ग्रेटर देन वन, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज एंड रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द एंड रिएक्शन रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द कंप्लीशन, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, एंड द रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द कंप्लीशन, है ना बेटा, कंप्लीशन, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी, तो एकदम क्लियर है सबको। पहला एप्लीकेशन था कि प्रेडिक्ट करता है कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के बारे में, यानी इफ द केसी इज ग्रेटर देन वन, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है उसकी वैल्यू अगर एक से ग्रेटर आ जाती है, जो कब आएगी, और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ है एंड रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द कंप्लीशन, ठीक है बेटा। तो एक ये कहानी हो जाएगी, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस चीज को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है बेटा हम लोगों को, कि अगर केसी की वैल्यू एक से ज्यादा आती है तो उस केस में हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। दूसरा केस क्या हो जाएगा बेटा, तो दूसरा केस इसका उल्टा सोचो, कि इफ केसी इज लेस देन वन, ठीक है, सोचे सभी, अगर केसी की वैल्यू लेस देन वन आती है, इट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर, ठीक है, जो रिएक्टेंट का प्रोपोर्शन है बेटा वो क्या होगा एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट, एंड सो देयर विल बी डिक्रीज इन द टेंडेंसी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो इस चीज को याद रखना बेटा कि अगर केसी की वैल्यू लेस देन वन आती है देन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर, इट मींस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट, ठीक है, इट मींस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, या रिएक्टेंट विल बी मोर, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इफ द केस इज लेस देन वन, व्हाट डज इट मीन, इफ द केस इज लेस देन वन, इट मींस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर, जो रिएक्टेंट होगा बेटा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, यानी अगर केसी की वैल्यू लेस देन वन आती है, इट मींस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट, एंड सो देयर विल बी डिक्रीज, एंड सो देयर विल बी डिक्रीज इन, किस में डिक्रीज होगा बेटा, तो देयर विल बी डिक्रीज इन टेंडेंसी फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो डिक्रीज इन टेंडेंसी फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये बात सभी को क्लियर है एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं है बेटा। यानी पहला हम क्या एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, कि प्रिडिक्ट करता है कि रिएक्शंस होगा कि नहीं, तो अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इट मींस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है और जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड कर रही है। और दूसरा केस पढ़ा कि अगर केसी की वैल्यू लेस देन वन है, इट मींस कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर और रिएक्शन विल बी डिक्री, मतलब जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, सो देर विल बी डिक्रीज इन द टेंडेंसी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक चीज। तो इसको पकड़ के रखना है, और एक केस और ले लो बेटा, इसको भी क्यों छोड़ रहे हो, एक केस और कर लो, जब इतना किया कि इफ केसी इज इक्वल टू वन, कि अगर केसी की वैल्यू वन आ गई देन द प्रोपोर्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विल बी द सेम और वी से इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पे कौन सा स्टेट आएगा, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे अचीव करेंगे दोनों, क्योंकि दोनों का टेंडेंसी सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों का अमाउंट सेम है बेटा। तो ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को कि पहला एप्लीकेशन था प्रिडिक्शन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है बेटा, तो चलो दूसरे एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है
प्रिडिक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको समझने की जरूरत होती है बेटा। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो बड़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन अबाउट द फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। तो प्रिडिक्शन अबाउट द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? स्पेलिंग वगैरह तुम देख लेना थोड़ा, ठीक है। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है तो स्पेलिंग के लिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, तो ध्यान से बेटा स्पेलिंग वगैरह सब आप लोग अच्छे कर लोगे, इतना तो पता है, तभी तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना। तो ये तो तुम्हारा काम है भाई, स्पेलिंग जहां भी इधर उधर हो प्लीज उसको मैनेज करना। चलो, तो प्रिडिक्शन अबाउट द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब एक और काम है भाई साहब इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये हमें बताता है, प्रिडिक्ट करता है कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि रिवर्स डायरेक्शन में है, और किसी भी समय किसी भी इंस्टेंट पे बता सकता है, एट एनी स्टेज, कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाने वाला है कि बैकवर्ड की तरह जाने वाला है। फॉरवर्ड मतलब समझ रहे हो ना बेटा, यहाँ देखो दोबारा जल्दी फटाफट। फॉरवर्ड का मतलब हुआ प्रोडक्ट की तरफ बनना, और रिवर्स का मतलब हो गया बैकवर्ड, मतलब कि आपका रिएक्टेड साइड की तरफ रिएक्शन का शिफ्ट होना। तो ये भी बताता है। तो इसको समझने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म समझाने वाला हूं आप लोगों को, प्लीज इसे बड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि जब इसको समझोगे तभी आप इसमें प्रेडिक्शन के बारे में जा सकते हो। तो वो क्या है बेटा आपका, जो इंपॉर्टेंट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन को समझने से पहले समझना है, तो वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और उसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, रिएक्शन रिएक्शन क्वोशेंट, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, अगर इसको आप समझ गए तो बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की क्या बात हो रही है, क्योंकि ये हमेशा ना कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है। तो क्यों बोलते हैं, क्यों से डोनेट करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन को? तो रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है क्या नहीं होता है बेटा, इसको पहले समझते हैं हम लोग, ठीक। तो होता क्या है बेटा, तो ध्यान से समझो। इट इज द रेशियो ऑफ, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, तो डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग इसको याद भी रखें, क्योंकि इसका ज्यादातर डेफिनेशन कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में और क्यू में, लेकिन दोनों डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। तो होता क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अंडर नॉन इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोल दिया भाई मैंने, इतना बड़ा सा डेफिनेशन लिख दिया, समझ आया क्या? देखो ध्यान से, अभी समझ आएगा। मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल ले लूं क्या? चलो एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। तो ए ए प्लस बी बी, डन बेटा, दिस विल गिव्स अस सी सी प्लस डी डी। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं क्यू निकालू, तो क्यू का मतलब क्या होगा? तो क्यू का मतलब होगा सी सी डी डी अपॉन ए का पावर ए, बी का पावर बी। अब इतना देखते ही बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो सेम टू सेम अपने केसी की जैसा निकाल दिया। बेटा बिल्कुल लिखने का तरीका वही है, लेकिन ये केसी नहीं है, ध्यान से सुनो। केसी का मतलब क्या होता है,
फॉर्मूला तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस समय जो रेशियो होता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अपॉन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, उसके रेशियो को केसी बोलते हैं। सिमिलर वे में रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है बेटा, तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the product of the initial concentration of the reacted under the non-equilibrium condition. मतलब जब equilibrium achieve नहीं हुआ है, equilibrium achieve होने से पहले जो ratio होता है product का, कि उसका initial concentration कितना था, to the reactant का initial concentration कितना था, उसको बोलते हैं बेटा reaction quotient. समझ गए, बहुत सिंपल तरीका है कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है अंडर द नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, उनके रेशियो को हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, रिएक्शन क्वेश्चन बोलने वाले हैं। तो आई होप क्लियर है। जबकि केसी क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस समय जो कंसंट्रेशन का रेशियो होता है दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसको बोलते थे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। तो इसीलिए पहले रिएक्शन क्वेश्चन समझाना जरूरी था। अब आप इस एप्लीकेशन को बड़े जल्दी से समझ सकते हैं कि प्रिडिक्शन अबाउट द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें भी हम लोग पॉइंट बना लेते हैं फटाफट। तो पहला पॉइंट ये है बेटा कि इफ, ठीक है, इफ द क्यूसी इज लेस देन, इफ द क्यूसी इज लेस देन केसी, यानी इफ क्यूसी, ठीक है, इफ द क्यूसी इज लेस देन केसी, और भी से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि केसी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ बेटा कि केसी की वैल्यू, केसी सॉरी कंफ्यूज हो गया थोड़ा, ध्यान से समझना, अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा है, ठीक है, क्यूसी क्यूसी लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट की बात हो रही है रिएक्शन कोशेंट की, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है रिएक्शन कोशेंट से, देन द रिएक्शन विल अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, देन रिएक्शन विल अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ गए बेटा, सिंपल है कहानी। क्या कहानी है कि अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा आ जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट से ज्यादा आ जाती है, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इट मींस इट मीन क्या हुआ बेटा कि रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट से किधर जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट की तरफ। समझ गया बेटा, एकदम क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें। और अगर इसका उल्टा हो गया बेटा, अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, ये क्यूसी से कंफ्यूज मत होना, रिएक्शन क्वेश्चन ही है, क्यू ही है, तो चलो मैं यही क्यूसी लिख देता हूं, नहीं तो तुम हर जगह कंफ्यूज होते रहोगे। चलो क्यूसी, तो अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आती है बेटा केसी से, देन द रिएक्शन अकर इन रिवर्स डायरेक्शन, तो देन रिएक्शन विल अकर इन रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर है बेटा सबको, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है इट मींस प्रोडक्ट टू रिएक्टेड, ठीक है, तो ध्यान रखना, क्लियर है, तो भूलना नहीं है बेटा कैसे भी। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा भी देख लें क्या, चलो भाई उसको क्यों छोड़ें। तो इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी, तो अगर क्यूसी और केसी बराबर हो गया, तो कौन सा कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको तो पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं,
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। तो ये बड़े अच्छे से समझाया आपको, ध्यान से आप लोग समझना इस चीज को, दो तीन बार देख देख के समझना कि क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है, और किस किस तरीके से आप इसको बेटा डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिडिक्शन ऑफ द रिएक्शन के बारे में या क्यूसी के बारे में या केसी के बारे में कि क्या क्या कहानी है। तो अच्छे से समझ आ गया कि क्या एप्लीकेशन है रिएक्शन क्वेश्चन का। तो ये दोनों एप्लीकेशन बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को करते हैं, और वहां पे हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स उठाएंगे कि इस जो हमने किया है अभी इस पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और किस किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको देखो, फिर भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क बेटा, इसको पूछो समझो और इसको और अच्छे से कर सकते हो तुम। तो बहुत सिंपल टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेक श्योर दैट कि आपने पहला वाला वीडियो भी देखा हो, तब ये टॉपिक और आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको करो और फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल में, और उसमें फिर इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं, चलो टेक केयर, बाय।